YouTube में मिलियंस ऑफ यूट्यूबर्स है विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीश, बट उनमें से एक ऐसा नीश है जिसमें आपको बस कैमरा उठाना होता है और शूट। या वी आर टॉकिंग अबाउट व्लॉगिंग, और उसके बेताज बादशाह इंडिया में ऑब्वियसली है सौरव जोशी व्लॉग्स। बिकॉज इतनी कंसिस्टेंटली वीडियोस डालने के बाद तो टेक्निकल गुरुजी का भी डाउनफॉल आ गया, बट व्हाई नॉट सौरव जोशी? टेंशन नॉट, बिकॉज आज हम इन सारे मेन पॉइंट्स को ब्रेक डाउन करेंगे जो कि मैंने सौरव जोशी के 1000 से भी ज्यादा व्लॉग्स देखने के बाद कलेक्ट किए हैं, बिकॉज मैं भी उसका डेली व्यूअर हूँ। सो मुद्दे पे आते हैं, हम सौरव जोशी की व्लॉगिंग, स्क्रिप्टिंग, जी हाँ स्क्रिप्टिंग भी, स्क्रिप्टिंग से लेकर एडिटिंग तक सब मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऑथेंटिसिटी। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं व्लॉग कर रहा हूँ मेरी एडिटिंग लाइफ का, तो मेरी लाइफ में एडिटिंग को लेकर क्या क्या चीजें होती है, मैं कितने टाइम एडिट करता हूँ, कितना टाइम बाहर जाता हूँ, फलाना ढिमका। सरल भाषा में समझाऊं तो सच्चाई, व्यूअर्स को आपकी वीडियो एक भी पॉइंट पे झूठी या फरेब नहीं लगनी चाहिए, विच मेक्स देम फील अनइम्पॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट, रिलेटेबल। व्यूअर्स आपकी वीडियोस इसलिए भी देखते हैं क्योंकि वो आपसे रिलेट कर पाते हैं, जस्ट लाइक सौरव जोशी ने इस पॉडकास्ट में कहा। जैसे मेरा एग्जांपल देख लो, डेली के 1 करोड़ लोग डेली देख रहे हैं, बहुत बड़ा नंबर होता है 1 करोड़ लोग, तो आदत पड़ चुकी है, उनके माइंड में ये भी है ना कि रियल है, तो वो रियल देखना चाह रहे हैं। आप भी हैरान होते होंगे कि एक बंदा रोज दाल चावल ही कैसे खा सकता है, इवन दो भाई एक ऑर्डिनरी थार का मालिक है भाई, बट स्टिल। और जमीन पर बैठना, फैमिली के साथ मजाक करना, दीज ऑल मेक्स अ व्यूअर फील रिलेटेड टू द क्रिएटर एंड द वीडियो, जिससे सौरव की वीडियोस इतनी ज्यादा एंगेज्ड रह पाती है। थर्ड पॉइंट है हमारा फास्ट पेस्ड एडिटिंग, वन ऑफ द मेन पॉइंट जिसको मेजॉरिटी ऑफ द व्लॉगर्स फॉलो ही नहीं करते, इसलिए उनके व्लॉग्स इतने ज्यादा अनप्रोफेशनल लगते हैं। बीच में कोई भी फालतू का साइलेंट पार्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज आज के जेन ज़ीज़ का माइंड ऐसा हो चुका है कि उन्हें हर 3 सेकंड में कुछ नया देखना होता है। यस लिटरली इनका अटेंशन स्पैम इतना कम हो चुका है जो कि जेलीफिश से भी ज्यादा कम है, बट कट्स लगाने में टाइम बहुत वेस्ट होता है। डोंट वरी, वो सारा कुछ मैं आपको आगे एडिटिंग में बता दूंगा। उससे पहले 4 पॉइंट पे आते हैं। 4 पॉइंट, सम बिग सरप्राइजेस टू गेट व्यूज। ये ट्रिक आपकी तब काम करेगी जब आपके व्यूज थोड़े डाउन हो गए हैं या फिर आपको पैसे की भूख है। पैसे की भूख किसको नहीं होती है। तो हाँ, आप बीच में अपने व्यूअर्स के लिए सरप्राइज रख सकते हो जो कि कुछ भी हो सकता है, लाइक म्यूजिक वीडियो, गिव अवे एक्सेट्रा, और आप अपने लिए भी कोई सरप्राइज ले सकते हो। अपने लिए सरप्राइज कौन लेता है, बट ये कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि लेते हैं, और एक इंसान को दूसरों की खुशी देखने में खुद खुशी मिलती है। दिस साउंड्स रॉन्ग, या दिस इज अवर इंडियन कल्चर। 5th and the last point, साइड एक्टर्स। अगर आप अपना ही थोपड़ा रखोगे कैमरे में तो ऑडियंस क्या होगी, ऐसा साइड एक्टर किसी को रखो जो कि कोई भी हो सकता है, लाइक भाई इक्वल टू व्यूज, फैमिली इक्वल टू मोर व्यूज, गर्लफ्रेंड इक्वल टू क्राक व्यूज, वाइफ इक्वल टू और भी ज्यादा व्यूज, और 2 वाइफ हुई तो अरमान मलिक। नाउ लेट्स स्ट्रेट जंप टू द एडिटिंग पार्ट। सो गाइस, यहां पर मैंने ड्रॉप कर लिया अपना क्लिप। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर करते कलर करेक्शन। सो अभी देख सकते हो हमारे जो वीडियो की क्लिप है थोड़ी डेड लग रही होगी, सिर्फ आपको सटल कलर करेक्शन करना, उतना ज्यादा कलर करेक्शन नहीं करना, जिससे कि हमारी वीडियो थोड़ी प्रोफेशनल भी लगे एंड उतना ज्यादा लाइक एडिटेड भी ना लगे। सो सिंपल डबल क्लिक करो एंड गो टू कलर्स, एंड यहां पर आपको कलर्स में थोड़े से ट्वीक्स करने हैं, जस्ट इंक्रीज वाइब्रेंस काइंड ऑफ, और लाइट्स में एक्सपोजर थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, ब्राइटनेस थोड़ा सा कम, कंट्रास्ट को ज्यादा इंक्रीज मत करना, हाईलाइट्स को थोड़ा कम कर दो, शेडोज को इंक्रीज कर दो, एंड देन ब्लैक्स को कम कर दो, वाइट्स को इंक्रीज थोड़ा सा कर दो, दैट्स इट। एंड यू कैन आल्सो इंक्रीज द शार्पनेस, बट शार्पनेस इंक्रीज करोगे तो डेड लगेगी आपकी फुटेज, सो मस्त ही करो। एंड हाँ, ये आप कर सकते हो प्रोफेशनल थोड़ा सा दिखाने के लिए अपने ब्लॉग को, थोड़ा सा विनियट देकर आप फेदर पूरा इंक्रीज कर देना, विच मेक्स इट लुक सटल एंड प्रोफेशनल। एंड देन आफ्टर दैट गो टू कर्व्स, 3 डॉट्स यहाँ पर ऐसे बना लेना जिसमें कि ये होते हैं हमारे शेडोज, मिड टोन्स एंड हाईलाइट्स। ठीक है, मैं ऐसी करता हूँ कलर करेक्शन, और आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, आपके जैसा समझ आ रहा है। एंड ये सबसे मेन चीज है, इससे आप अपनी फुटेज को 10x बेटर बना सकते हो। As you can see guys, good morning, welcome back to my new vlog. Before and after, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर तो कितना ज्यादा प्रोफेशनल टाइप लग रहा है। यू कैन ऑल्सो प्ले विद कलर व्हील्स, बट मैं नहीं कर रही है बिकॉज हमारी वीडियो ऐसी भी अच्छी दिख रही है। एंड देन जस्ट कंट्रोल आल्ट एंड सी करोगे तो इसके जो इफेक्ट्स है कॉपी हो जाएंगे, देन इन दोनों पे ऐसे करो, एंड कंट्रोल आल्ट प्लस वी करोगे तो पेस्ट हो जाएंगे। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ओके, सो यहाँ पर अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी वीडियो को क्रिस्प कैसे बना सकते हो एंड एकदम क्लीन, एंड ऐसा लगता है मतलब खाली आपकी वॉइस आएगी। उसके लिए आपको सिंपली डबल क्लिक करना है, गो टू ऑडियो सेक्शन, एंड देन यहाँ पर आपको नीचे जाना है डी नॉइज में, एंड डी नॉइज से पहले इक्वलाइजर डिफॉल्ट जो है उसको डांस पे कर दो। गुड मॉर्निंग,
which makes your voice kind of like deep and smooth. And AI speech enhancement, ये क्या करेगा? AI अपने हिसाब से आपकी audio को calculate करेगा, उस हिसाब से आपकी जो voice है उसको like silent and professional बनाएगा. So let's listen कैसा होता है. मेरे को इतनी ज़्यादा उम्मीदें तो है नहीं AI से. Good morning, welcome back to my new vlog. ऐसा लग रहा है हम किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, तो उसको हटाई दो. एंड यहाँ पर विंड रिमूवल आप इनेबल कर देना, विच इज लाइक आप सुन सकते हो. गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग. दिस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. एंड हाँ, नॉर्मल डिनोइज ये इंक्रीज मत करना, ये उतना तो कुछ खास फर्क देता नहीं है और आपकी वॉइस को लाइक रोबोटिक भी बना देता है. गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग. सो सिंपल, इसको हम कम कर देते हैं. एंड डी वर्ब, अगर आपके वीडियो में जो है गूंजने वाली आवाज है तो वो भी कम कर सकते हैं, जैसे कि आपने टाइटल और कम करना पड़ेगा. हाँ, 13 या 15 के राउंड हम रख देते हैं इसको. दैट्स इट गाइस, ऑडियो में हम इतना ही कर सकते हैं. गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग. ओके, सो आफ्टर दैट मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे एक ही क्लिक में साइलेंट पार्ट्स कट कर सकते हो. सिंपल, आपको ऐसे बार बार जाकर स्प्लिट पे क्लिक करके फिर ध्यान जाकर स्प्लिट पे क्लिक करके ऐसे डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं है. सिर्फ आप एक क्लिक करोगे और आपकी जो वीडियो है वो ऑटोमेटिकली कट होती जाएगी. सो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, सिंपल क्लिक करो एंड गो टू दिस सेक्शन. ये टूल है नया विच इज साइलेंस डिटेक्शन, एंड ये चमत्कार कर देता है. और ये मैं अपनी मतलब ऑलमोस्ट सभी वीडियोस में यूज करता हूँ, जिससे कि मेरा घंटों टाइम बचता है. सिंपल इस पे क्लिक करो एंड यहाँ पर आपकी वॉल्यूम थ्रेशोल्ड, कितनी ज्यादा वॉल्यूम पे आपको आपकी वीडियो को जो स्प्लिट करना है वो यहाँ पर अपने हिसाब से सेट कर लो. सॉफ्ट बफर कितना रखना है, या 0.1 रख लेता हूँ मैं. एंड जस्ट क्लिक ऑन एनालाइज. एज यू कैन सी, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर कट करके इसने दे दिया है. नाउ लेट्स सी. गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग. तो गाइस लोग समझेंगे, सौरभ जैसी तरह की बात कर रहा हूँ. ये वीडियो आपने टाइटल और थंबनेल में पढ़ लिया होगा, वीडियो शुरू. तो यहाँ पर थोड़े से यहाँ पर दिक्कत आपको देखने को मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे ठीक कर सकते हैं. आप सिंपली वॉल्यूम थ्रेशोल्ड जो है इसको आप सिंपली कम या ज्यादा करके अपने हिसाब से देख सकते हो. नाउ लेट्स लिसन इट. गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग. सो गाइस आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं सौरभ जैसी की तरह की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो इसी के ऊपर है. सो 21 ठीक था, लेकिन 25 करके देखते हैं. लेट्स सी. टू माय न्यू व्लॉग. सो गाइस आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं सौरभ जैसी की तरह की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो इसी के ऊपर है, जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल में पढ़ लिया होगा. तो वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले मैं आपको अपना रूम टूर. सो यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई, जो कि हम बाद में यहाँ फिनिश एंड रिप्लेस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई, वो हम बाद में ठीक करते हैं. उसके बाद आपको सिंपल क्लिक करना है यहाँ पर फिनिश एंड रिप्लेस, विच मेक्स देख सकते हो ऑटोमेटिकली कट्स यहाँ पर आपकी वीडियोस में लग चुके हैं. लास्ट में जो हमारा मिस्टेक हुआ था तो ये ऐसे एनहांस कर सकते हो. दैट्स इट, बाकी का पार्ट कट कर देना. एंड सेम गोज टू ऑल दीस क्लिप्स. एंड यहाँ पर आप अपनी जब व्लॉग करते हो तो आपको सिंपल देख सकते हो, मैं अपने कैमरे को ही रोटेट करके ऐसे सामने कर देता हूँ, ऐसा कुछ. ठीक है, मैं अपने फोन को सीधा ऐसे फेस कर देता हूँ जो भी चीज मैं बता रहा हूँ, उसको सेम टू सेम ऐसे ही हमारे सौरभ जोशी भैया करते हैं, विच मेक्स हिज व्लॉग्स मोर प्रोफेशनल. तो वो कैसे होता है वो बता देता हूँ. सिंपल, जैसे कि यहाँ पर ये रोटेटेड है, तो जैसे मेरे फेस के बाद रोटेटेड यहाँ पर मैं कट लगाऊंगा. एंड दिस यहाँ पर ये वाले जो क्लिप है जहाँ पर ये जो पूरा उल्टा आ रहा है उसको हम कर देंगे यहाँ पर इन्वर्ट. दैट्स इट कंप्यूटर. अब देखना है यहाँ पर, अब ये सीधा सीधा आ रहा है. ड्रिंक 4 लीटर पानी दिन का. जी हाँ, देख सकते हो गाइस, ऐसे ही सभी यूट्यूबर्स करते हैं, सभी व्लॉगर्स करते हैं. यू शुड ड्रिंक 4 लीटर पानी दिन का. जी हाँ गाइस, 4 लीटर पानी नहीं पियोगे. और हाँ, आप थोड़े म्यूजिक्स भी यूज कर सकते हो, थोड़े चिल टाइप म्यूजिक. अब म्यूजिक कहाँ से लाना है दिक्कत की बात नहीं है, कॉपीराइट नहीं आएगा. सिंपल आपको चाहना है ऑडियो पे, हमारे फिल्मोरा में आपको ऑडियो का सेक्शन मिलता है. यहाँ पर देख सकते हो सभी यहाँ पर आपको सेक्शन दे दिए गए हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग. लोफाई यहाँ पर है एंड कोई भी हम अपना चूज कर सकते हैं यहाँ पर लोफाई म्यूजिक अपने हिसाब से. So this music sounds good, I think. And simple, इसका हम यहाँ पर जो वॉल्यूम थ्रेशोल्ड उसको कम कर देंगे. Good morning, welcome back to my new vlog. Guys, आप लोग भी सोच रहे होंगे. And simple, आपको इसके ही कॉपी इफेक्ट करके इन दोनों में पेस्ट कर देना है. एंड सेम आपको जो प्रोसीजर है वो अप्लाई करना है. That's it. आपका जो व्लॉग है प्रोफेशनली बनकर रेडी हो. तो बाकी मिलते हैं स्टूडियो में. अगर आपको वीडियोस ऐसी चाहिए ब्रेकडाउन्स वाली तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, देखते हैं कितने लोगों को चाहिए कितने लोगों को नहीं. और अपने हिसाब से भी कोई टॉपिक भी आप सजेस्ट कर सकते हो मेरे को जो आप चाहते हो कि मैं बनाऊं उसके ऊपर वीडियोस. बाकी और कुछ तो बोलने के लिए रहा नहीं. गुड बाय, टाटा, सी यू. सो जाओ.